साथियों, कुछ रोज पहले मैंने एक YouTube में वीडियो देखा, जिस वीडियो में हमारे देश के IT सेक्टर के नंबर वन कंपनी और नंबर टू कंपनी में फाइनेंशियल नज़र से दूरी बताई गई। तो मैंने पहले वीडियो पुराना था, मैंने देखा और वीडियो को तकरीबन लाखों लोग देख चुके हैं, तो वीडियो में जो चीज़ देखकर मैं हैरान हो गया वो था, पहला नंबर IT कंपनी के साथ दूसरा नंबर IT कंपनी का दूरी। मैं मतलब उस जिस समय की वीडियो है, उस समय की वीडियो में पहला नंबर IT कंपनी 100 बिलियन US डॉलर की बिजनेस करते हैं और दूसरा नंबर IT कंपनी 40 बिलियन US डॉलर की बिजनेस करते हैं। मैं सोचने लगा, हम बोला ये कैसे हो सकता है, एक ही देश, एक ही सरकार, एक ही मैन पावर, सब कुछ एक ही एटमॉस्फेयर, सब कुछ एक रहने के बाद क्यों ये पहला और दूसरा में इतना बड़ा दूरी है। सर जी, आज का जमाना में सबसे बड़ा दिक्कत जो होता है, मैं समझता हूँ आजकल लोग सोचते नहीं हैं, तो मैंने पूरा रात सोचने लगा जो इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। और गहराई तक सोचने जब मैं पहुंचा, सोचते गहराई तक, तब मेरे को एक सॉल्यूशन मिला और वो सॉल्यूशन मैं शेयर करना चाहता था इस देश का नंबर टू IT कंपनी। तो कैसे भेजूं? सबसे पहला बात तो ना मैं ग्रेजुएट हूं, ना मैं MBA हूं, ना मैं कुछ हूं, और दूसरी बात IT सेक्टर में क्या काम होता है वो भी मैं नहीं जानता। मेरे को आघात लगा, मेरे को दुख लगा, जो इतना दूरी क्यों है और इस दूरी को क्या कम कर सकते हैं, यही मेरा तकलीफ थी। आप किसी दूसरी कंपनी के तकलीफ अपने शरीर में लोगे तो वो थोड़ी मदद करेगा, उनके पास तो सारे टीम है। लेकिन मैं उस कंपनी से संपर्क किया था और उस कंपनी का CEO का PA तक पहुंचा था और मैं बोला था एक व्हाट्सएप नंबर मेरे को दे दो, मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ जो कैसे इस दूरी को मिटा सकता है। लेकिन उन लोगों ने हमको एक अच्छा जवाब दिया, लेकिन साथ साथ बहुत ही सम्मान के साथ हमको नकार भी दिया, जो आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्वालिफाइड मैन पावर है, वो लोग सोच रहे हैं कंपनी को आगे ले जाने के लिए। बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइट और साउंड, इसमें रफ्तार किसका ज़्यादा है? रफ्तार ज़्यादा है साउंड का या लाइट का? रफ्तार ज़्यादा है लाइट का। तो लाइट पहले आता है, साउंड बाद में आता है। ठीक हमारा ज़िंदगी में अगर हम सपना देखें, परिस्थिति कुछ भी हो, कोई भी कमियां रहे, हमारा ज़िंदगी के अगर हम सपना देखें तो वो सपना लाइट के रफ्तार में पहुंच जाते हैं मंजिल पर। और बाद में हम मेहनत करते करते, डेडिकेशन के साथ मेहनत करते करते हम पहुंचते हैं मंजिल तक साउंड के रफ्तार में। ये मतलब एक कहने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं वो व्यक्ति था जो गहरा सोचा और गहराई तक जाकर कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढ के लाया और सपना देखा था जो नहीं, ये दूरी सही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है उस दूसरा कंपनी से, हमें कोई उस कंपनी में जॉब करना नहीं है। लेकिन हमको कभी कभी होता है, एक आदमी था जो नेताजी के बारे में इतना गहराई से जाके रिसर्च किया,
इतना गहराई से जाके जो वो परिवार भी छोड़ दिया, सिर्फ नेताजी और नेताजी और नेताजी, सुभाष चंद्र बोस। कल वो मूवी देख रहा था मैं, तो आदमी को कभी कभी लगता है जो ये क्या हो रहा है, कभी कभी वो परेशान हो जाता है। ये हर क्षेत्रों में होते हैं। सवाल ये बात नहीं है, मेरा सवाल है क्या सॉल्यूशन मैंने ढूंढा। साथियों, हमारे देश में, देश के तरफ एक बार देखूंगा और उस देश से हम हर समाधान लेके आया जो हो सकता है। इसमें दो तीन बात है जो मैं बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले, हमारे देश में भारत सरकार है जो देश चलाता है। इस भारत सरकार का बहुत सारी डिपार्टमेंट है कि नहीं? लेकिन क्या आप हमको बता सकते हैं वित्त मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये तमाम मंत्रालय में जिस डेडिकेशन के साथ काम होता है, और भारत सरकार का एक संस्था इसरो में डेडिकेशन एक्यूरेसी लेवल में वो कितना एक्यूरेट है। वही भारत सरकार का संस्था, वही लोग, लेकिन इसरो जो हमारा महाकाश विज्ञान करता है, महाकाश विज्ञान के बारे में अनुसंधान करता है, उसमें कोई कमी नहीं रहता है। संस्था एक ही, भारत सरकार, लेकिन वित्त मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय उतना डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते हैं जितना इसरो करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये दूरी है 60 बिलियन US डॉलर की, तो सबसे पहले नंबर टू कंपनी को एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो डिपार्टमेंट से काम करेगा ये दूरी को मिटाने के लिए। क्या ये बहुत खर्चा के विषय है? अगर उनके पास ऐसा है तो मेरे साला की कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं है तो एक बार सोचना। नंबर टू, हमारे देश में सेना है। देखिए, मैं देश के ऊपर नज़र डाल के ही मैं समाधान निकाल रहा हूँ। हमारा देश में सेना है। सेना क्या करता है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं सेना के लिए, वो एक एवरेज लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, हमारा देश में जो सुपर टेंट कमांडो है, वो कमांडो सेना से भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा मेंटली फिट है, उसको सारी चीज़ मालूम है, कैराटे, कंफू, जूडो। उसको अगर जंगल में रहना पड़े, हेलीकॉप्टर से कूदना पड़े, सो के चलना पड़े, इन तमाम चीज़ में वो एक्सपर्ट है, कमांडो सेना से सुपीरियर। अब वो दूसरा कंपनी जो है देश का आईटी, क्या वो पहले एक डिपार्टमेंट बनाए इस दूरी को दूर करने के लिए? दूसरा, वो एक टीम बनाए कमांडो जैसा, उनका 2 लाख लोगों के भीतर से वो चयन करे, वो टेक्निकली, वो फिजिकली, वो मेंटली एकदम कंप्लीट, मतलब एवरेज जो काम कर रहा है सेना, जो काम कर रहा है उनका 2 लाख सेना जो काम कर रहा है, उससे सुपीरियर कमांडो हो सकता है? वो कमांडो बैठेगा वो जो नया दफ्तर बनेगा उस दफ्तर में। यही बात थी मेरी, बहुत छोटी समाधान। वो कमांडो इतना ट्रेंड होगा, वो कमांडो कहीं भी मार्केटिंग टीम होगा, जो उसका टेक्निकल टीम होगा, वो इतना ट्रेंड होगा, इतना डेडिकेशन के साथ काम करेगा, इतना ड्रीम्स उसके मन में रहेगा, जो ये दूरी हमको तय करना है, ये दूरी हम नहीं जानते। हमको ये मालूम नहीं है क्या ये 60 बिलियन US डॉलर को क्रॉस करने के लिए, क्या पैसा की ज़रूरत है? हमको ये मालूम नहीं है क्या उनको मार्केट में मोनोपोली है नंबर वन कंपनी का इंडिया का? मेरे को ये सब मालूम नहीं है, लेकिन दूरी तो दूरी है। और जो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर किसी ने कुछ बताना चाहता है तो उसका बात सुनने में दिक्कत की थी। अगर मेरा वीडियो नंबर टू कंपनी के CEO के पास पहुँचा, शायद उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन साहब रास्ते पे चलते चलते ऐसा पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा बीमारी का इलाज कर सकते हैं,
लेकिन कोई उस पेड़ पौधे के तरफ भागते नहीं हैं और केमिकल दवाइयाँ पीते हैं जिसका साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अब मेरे को एक ही दूसरा टीम और एक चीज़ देखा मैंने, टोटल फुटबॉल। हॉलैंड का एक फुटबॉल कोच था गस हिडिंग। हिडिंग क्या करता था, उसका पूरा टीम को, कोई डिफेंस खेल रहा है, कोई फॉरवर्ड खेल रहा है, कोई मिडिल मैन मिडफील्ड खेल रहा है, वो पूरा टीम को टोटल टोटल फुटबॉल, सब जा रहे सब आ रहे सब जा रहे सब आ रहे। फुटबॉल में जो अटैक होते हैं और काउंटर अटैक जब होते हैं तब नीचे आते हैं, तो ये टोटल फुटबॉल जो होता है, तो वो नया इसरो जैसा डिपार्टमेंट और उसमें जो मैन पावर, मतलब हम आपको बता सकता हूँ, अगर 2000 लोग कमांडो के लिए अप्लाई करें तो मेरे ख्याल से 200-300 लोग पास होते हैं। ठीक ऐसा ही ये कमांडो फोर्स और ये टोटल टीम, सब बारे में एक्सपर्ट रहेगा, वो टेक्निकल टीम से मार्केटिंग टीम से चयन करके, उन लोगों को परिवार से बात करके, जो ये बहुत बड़ा मिशन है इसमें काम करना है, यू आर एग्री? हो सकता है साहब दूरी, अब दूसरी मालूम नहीं है आप लोग क्या करते हो, क्या बेचते हो, कहाँ मार्केट है, ये बात नहीं है। मेरा एक छोटी सी सलाह है, एक टीम बनाओ। और दूसरी बात, बहुत दुख लगा जो बंदा जो लाइट एंड साउंड की बात कर रहा था, क्या सचिन तेंदुलकर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था? उसके पहले भी सचिन तेंदुलकर बहुत मैच खेला था जो ड्रीम्स में खेला था। तो मैंने इस देश में लाखों लाखों लोग जो वीडियो देखा, उस वीडियो से मैंने गहराई तक सोचा, और मैंने पहला व्यक्ति जो उन नंबर टू कंपनी का भी लोग नहीं सोचा, ओनर नहीं सोचा, जो भी है, मैंने पहला व्यक्ति, गहरा दुख लगा मेरे को ये दूरी देखकर। तो आपके पास सही में, आपके पास बहुत क्वालिफाइड है, हम तो नहीं है, लेकिन क्या एक बार सुन नहीं सकते थे मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सहज और आसान तरीका से मैंने ये काम बताया, आप लोग इसको एक बार विचार कीजिए, अगर ऐसे हो सकता है तो दूरी ज़रूर कमी हो सकता है दूरी में, क्योंकि ड्रीम्स सचिन तेंदुलकर 89 के पहले बहुत मैच खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ अपना ड्रीम्स में, और मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मैं ड्रीम्स देखा जो ये दूरी। तो 70% काम ड्रीम्स में होता है साहब, आप लोग बहुत मैनेजमेंट के बड़े बड़े पद में हो, 70% काम, अगर आप सपना देखा, 70% काम, देश का दूसरा नंबर मल्टीनेशनल आईटी सेक्टर का 70% काम मैंने कर दिया ड्रीम्स देखकर, बाकी 30% इम्प्लीमेंट करना है डेडिकेशन के साथ। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ क्यों नहीं होगा, अगर बार बार बोल रहा हूँ, मैं आईटी सेक्टर के बारे में जानता नहीं हूँ यहाँ क्या होता है, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर कोई मार्केट में वैल्यू इंक्वायरी, आपका प्रोडक्ट ब्रांड वैल्यू इंक्वायरी में प्रॉब्लम है, ये अलग बात है। अगर मार्केट में बिजनेस है और नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मेरा ये जो सजेशन है वो सही है साहब। एक बार विनती कर रहा हूँ, हम मालूम है आपके पास ऐसा लाखों हजारों मेल आते हैं, लेकिन कभी अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो उसका बात थोड़ा सुन लेना, बात सुन लेना क्या बोल रहे हैं। हम लोग आजकल सुनते नहीं हैं, हम लोग सपना देखते नहीं हैं, कैसे सपना देखेगा आपका नंबर टू या नंबर वन, जो मैं आईटी सेक्टर के हालत देख रहा हूँ, जो लोग इतना प्रेशर में काम करते हैं, वो कैसे सपना देखेगा? उसका भी तो माइंड है ना, वो सपना देखने के लायक ही नहीं है। तो कुछ लोग को ऐसा भी रख सकते हो आप जो सपना देखेगा। मैं आपका कंपनी में जॉब करने के लिए नहीं, मेरे को ये दूरी बहुत तकलीफ दिया, उसलिए मैं ये वीडियो बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।